अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करना है मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फैट्स जो हैं वन ऑफ द मेजर फ्यूल रिजर्व्स हैं बॉडी के, और इनके ये वाइट एडिपोज टिश्यू में ये फैट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल प्रेजेंट होते हैं। जब बॉडी फास्टिंग कंडीशन में होती है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तब हमें इन फैट्स की ज़रूरत पड़ती है कि हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को। तब होता क्या है कि ये पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज के दो टाइप्स के सेल होते हैं, अल्फ़ा सेल और बीटा सेल। जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो इसके जो अल्फ़ा सेल्स हैं उन्होंने रिलीज़ करना है ग्लूकागॉन, मतलब ग्लूकोज गॉन, याद रखने के लिए ग्लूकागॉन रिलीज़ हुआ। उसके अलावा कुछ सर्टेन कंडीशंस में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, और जिसकी वजह से T1 से L2 तक जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ये सिग्नल भेजते हैं एड्रीनल मेडुल्ला को। एड्रीनल मेडुल्ला क्या करता है, कैटेकोलामिन रिलीज करवाता है। कैटेकोलामिन मेनली को दो तरह के रिलीज करवाएगा ये, एक होगा एपिनेफ्रिन और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन 80% और नॉरएपिनेफ्रिन 20%। समटाइम्स ये कैटेकोलामिन जो हैं ये बाकी कॉर्टिसोल वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास तीन तरह के हार्मोन प्रोड्यूस हो गए लो ग्लूकोज लेवल की वजह से, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब इन तीनों में से अब हम ये है एडिपोसाइट। अब एडिपोसाइट की जो सेल मेम्ब्रेन है ये, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं, ये जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर है। अब ये जो ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, इन तीनों में से कोई भी मॉलिक्यूल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर एक्टिव होगा, अंदर जी प्रोटीन एक्टिव होगी। जी प्रोटीन जो एक्टिव होगी, इसने क्या करना, इसने जो ये एडिनिलाइल साइक्लेज है, इसने एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिव करवाना है। एडिनिलाइल साइक्लेज करेगा ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करवा देगा, साइक्लिक AMP। अब साइक्लिक AMP जो इसने क्या काम कराना है, ये इधर एडिपोसाइट के अंदर एक एंजाइम है प्रोटीन काइनेज A, एडिपोसाइट ने इसको एक्टिव करवा दिया। अब इस एंजाइम का काम है कि ये जो फैट ग्लोब्यूल जो पड़ा है, फैट ग्लोब्यूल, इसके ऊपर ये जो ये दो चीज़ें दिखाई शो करवाई हुई, एक रेड और एक ब्लू। जो रेड वाली है ये एक प्रोटीन है पेरिलिपिन, इधर लिख देता हूँ, और इसके साथ जो मॉलिक्यूल अटैच्ड है वो है CGI। अब इसने प्रोटीन काइनेज A जब एक्टिवेट हुआ है तो इसने ये जो पेरिलिपिन है इसको फास्फोराइलेट करवाया, इसकी फास्फोराइलेशन हो गई। इसकी फास्फोराइलेशन से क्या हुआ है कि इसके साथ जो CGI जो मॉलिक्यूल है ये रिलीज हो गया। अब ये रिलीज होकर इसने क्या काम किया, ये आया ये एंजाइम कटर लगा हुआ यहाँ पे, इस एंजाइम के पास आया, इसे एक्टिवेट करवा दिया। अब इस एंजाइम का क्या काम है, इस एंजाइम ने आके ये जो है ये अंदर पड़ा है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और 3 फैटी से उसके अटैच है। अब ये जो एंजाइम है ये एक्टिव हुआ, इसने इसका जो एक फैटी एसिड है उसको ब्रेक कर दिया। अभी इस एंजाइम का नाम है एडिपोसाइट ट्राइग्लिसरॉल लाइपेज। लाइपेज मतलब लिपिड के ब्रेक डाउन करवा रहा है। अभी इस एंजाइम ने जो इसकी फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करवा, फैटी एसिड को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये फैटी एसिड एज अ फ्री फैटी एसिड यहाँ पे आ गया।
उसके बाद जो है जो साइक्लिक एएमपी था, साइक्लिक एएमपी ने एक तो प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करवाया, दूसरा इसने इसकी फास्फोराइलेशन करवाई है, ये जो ये एंजाइम है इसकी फास्फोराइलेशन करवाई, ये एंजाइम एक्टिव हो गया। अभी यहाँ से जो ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड रिमूव हो गया, ये बन गया डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये एंजाइम जो एक्टिव हुआ है इसने क्या किया, इस डाइएसाइल ग्लिसरॉल पे एक्ट किया और इसकी इसका एक और फैटी एसिड यहाँ से रिमूव करा दिया। अब इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ने डाइएसाइल ग्लिसरॉल को मोनोएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब जिस तरह इसकी इन दोनों की फास्फोराइलेशन हुई थी, इस तरह इसकी भी फास्फोराइलेशन होगी। इस एंजाइम का नाम है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज। अब इन तीनों ये एंजाइम, इस एंजाइम की जो फास्फोराइलेशन हुई है रिएक्टिव हो गया, इसने क्या किया कि ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड को ब्रेक करवा के यहाँ पे इसने दो चीज़ें बना दी, एक तो फ्री फैटी एसिड और इसके साथ दूसरी चीज़ जो बनाई है इसने वो है ग्लिसरॉल। ये फ्री फैटी एसिड 3 हो गया, ये फ्री फैटी एसिड इसका 2। अब ये है, अब इनकी ब्रेकडाउन से हमारे पास 3 फैटी एसिड्स आ गए हैं, ये 1, 2, 3 फैटी एसिड्स और एक आ गया हमारे पास ग्लिसरॉल। अब इनके आगे फर्दर क्या फेट है ये हम देखते हैं। पहले हम ग्लिसरॉल को देखते हैं, ग्लिसरॉल आया है ब्लड में, यहाँ से ब्लड में आया, ये ब्लड ब्लड वेसल शो की है, ग्लिसरॉल यहाँ आया और इसके बाद यहाँ से ये चला गया लीवर में। लीवर में जाके इसने दो काम करवाने हैं, या तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, इसके ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाएगा, या तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होके फर्दर आके ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाएगा। अब ये ग्लूकोज आ जाएगा वापस ब्लड में, हमें पहले ब्लड ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हुआ था, ये साइकिल शुरू हुआ था, पाथवे शुरू हुआ था, तो अब एंड में हमें क्या मिला है, ग्लूकोज वापस ब्लड में आ गए। अब जो फ्री फैटी एसिड है ये क्या करेगा, फ्री फैटी एसिड जो है ये भी आ जाएगा ब्लड, फ्री फैटी एसिड भी जो है ये ब्लड में आ गए, फ्री फैटी एसिड। अब ब्लड में एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, इसके साथ ये फ्री फैटी एसिड अटैच हो गया। अब यहाँ से इसकी यहाँ ब्लड में जो है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब इसकी जो आगे फर्दर एटीपी इसने प्रोड्यूस करनी है, उसे ऐसी जगह पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये जाएगा मसल में भी जा सकता है और लीवर में भी जा सकता है, क्योंकि मसल और लीवर दोनों सेल्स में, मसल के भी सेल्स में और लीवर के भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब यहाँ जाके इसने एटीपी प्रोड्यूस करवानी है। ये हो गया हमारा सारा मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स कंप्लीट। अब इसकी फर्दर रिवीजन कर लेते हैं कि जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होंगे तो ग्लूकोगन रिलीज होगा, उसके साथ सिंपैथेटिक कंडीशन में एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज होगा स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उसके बाद कि यहाँ पे आके जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर से अटैच हो जाएंगी। अब जी प्रोटीन एक्टिव होगी तो जिसकी वजह से जो आगे फर्दर एडीनिलाइन साइक्लेज को एक्टिव करेगा, एडीनिलाइन साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करवाएगा, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करेगी और प्रोटीन काइनेज ए ने फर्दर जाके पेरिलिपिन को फास्फोराइलेशन करनी है, उसके साथ CG1 इसके साथ जो है वो डिसोसिएट होके ये आगे जाएगा एडिपोज ट्राइग्लिसरॉल लाइपेज पे
उसको उस एंजाइम की फास्फोरिलेशन करवाएगा जिसकी वजह से एक्टिव हो जाएगा। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को डाई एसाइल ग्लिसरॉल में, ये आ गया डाई असाइल ग्लिसरॉल, ये आ गया मोनो असाइल ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया। अब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की जब फास्फोराइलेशन हुई है तो इसने डाई एसाइल ग्लिसरॉल को मोनो असाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब मोनो असाइल ग्लिसरॉल लाइपेज जब एक्टिव हुआ, इसने मोनोसाइल ग्लिसरॉल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ग्लिसरॉल का फेट था, ग्लिसरॉल ब्लड में आया, ब्लड से ये चला गया लिवर में, लिवर में जाके इसने नियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनवाया और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से इसने ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज वापस ब्लड में आ गया, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया। जो फ्री फैटी एसिड था, फ्री फैटी एसिड ब्लड में आया, इसको यहाँ पे एक प्रोटीन मिल गई एल्ब्यूमिन, उसके साथ बाइंड किया इसने। उसके बाद इसने जा इसकी यहाँ पे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है रेड ब्लड सेल्स में। अब इसने आगे मसल में चला गया या लिवर में चला गया, यहाँ जाके इसकी ब्रेक डाउन हुई, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हुई, तो इसने एटीपी बना दिए, जो एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। इस तरह ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका जो फर्दर अगला बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।